हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ऐसी सब्जी जिसे खाकर आप और कोई सब्जी खाना भूल जाओगे, वो है टमाटर की सब्जी। टमाटर की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, इसे सर्दियों में हमें खाना बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना और सबके साथ ज़रूर शेयर करना। हमें टमाटर की सब्जी बनाने के लिए चाहिए, पहले हमें कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 टेबलस्पून हमें तेल डालना है। तेल गरम हो जाए उसके बाद इसमें हमें राई डालनी है, जीरा, हींग, अच्छे से हमारा तेल गर्म हो गया है उसके बाद हमने प्याज डालनी है इसमें। इसमें हमने हरी प्याज ली है, फाइन चॉप्ड करके हमें इसमें डाल देनी है और अच्छे से हमें चलाना है, लाइट ब्राउन होने तक चलाना है। प्याज से क्या है, सब्जियाँ बहुत ही टेस्टी लगती है और टमाटर की सब्जी में एक एडिशन हो जाता है टेस्ट का। अच्छे से पक जाए, लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने चॉप करके टमाटर इसमें डालना है। यहाँ पर हमने 5 टमेटोज ली है, आपकी क्वांटिटी आपकी ज़रूरत प्रमाण आप डाल सकते हैं। अच्छे से हमें पकाना है, 5 मिनट तक पकाना है हमें। अच्छे से पक जाए, देखो फ्रेंड्स एक अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद हमें सारे मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर लहसुन वाला ऐड किया है। लहसुन के साथ लाल मिर्च पाउडर की मैंने पेस्ट बना ली है, वही हमने यहाँ पे डाली है, आप भी उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जीरा पाउडर, अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाता है, उसके बाद हमें नमक डालना है 1 टीस्पून। अच्छे से सब कुछ चलाना है। ये टमाटर की सब्जी हमारे खाने में टेस्ट बढ़ा देती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप भी ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपकी सब्जी कैसी बनी। अच्छे से सब कुछ चलाना है हमें, सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद धनिया पत्ता उसमें डालना है हमें, फाइनली चॉप्ड। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी सारी कैसी लग रही है। उसके बाद थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना है, अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून हमें शक्कर डालनी है ऊपर से, जिससे कि अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट हमें आए। टमाटर को सबके घर में होते ही है और एक सब्जी बनकर रेडी हो जाती है और ये सब्जी बहुत सबको अच्छी भी लगती है। अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है, हमें पकने देना है थोड़ी देर तक। देखो फ्रेंड्स, अच्छे से पक रहा है हमारी सब्जी। उसके बाद हम सर्व कर लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हमने कोरिएंडर के साथ सर्व किया है, हमारी सब्जी बनकर रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय।